नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आलोक। योगी सरकार के हाथ से पतंजलि फूड पार्क जाते जाते रह गया। ये वही सरकार है जिसने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 4.5 लाख करोड़ के निवेश का दम भरा था, निवेशकों से बड़े बड़े वादे किए थे, सिंगल विंडो सिस्टम की बात की थी। लेकिन असलियत यह है कि अफसरशाही के लचर रवैये ने बाबा रामदेव को नाराज कर दिया। बात जब पतंजलि फूड पार्क को शिफ्ट करने तक पहुंच गई तो आनंद फानन में सीएम योगी ने खुद बाबा रामदेव से बात की, उन्हें मनाया, तब जाकर जैसे तैसे बात बनी। बहरहाल, सीएम योगी के दखल के बाद बात तो बन गई, लेकिन सरकार की साख पर बट्टा लग गया। अफसरशाही के रवैये से नाराज पतंजलि ग्रुप के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकार काम नहीं कर रही है और यूपी में सिर्फ धींगा मस्ती हो रही है। कुल मिलाकर योगी सरकार के मंसूबों पर अफसरशाही कैसे पानी फेर रही है, इसका जीता जागता नमूना है। आगे बढ़ें, इससे पहले आपको इस परियोजना के बारे में जरा बता देते हैं। करीब 16,500 करोड़ की ये परियोजना है। आपको बता दें कि ये फूड पार्क ग्रेटर नोएडा में 455 एकड़ में बनना है। बाबा रामदेव के मुताबिक इस फूड पार्क से करीब 10,000 लोगों को सीधा सीधा रोजगार और 80,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसीलिए यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस फूड पार्क की आधारशिला रखी थी। पतंजलि फूड पार्क का ये है फंडा। तो पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने योगी सरकार के अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए फूड पार्क को यूपी से बाहर ले जाने की धमकी दी, जिसके बाद सीएम योगी को बाबा रामदेव से बात करनी पड़ी। लेकिन बालकृष्ण को गुस्सा क्यों आया, क्या वजह थी, खुद सुनिए जरा। हमने बहुत सारी मशीनों का ऑर्डर भी दे दिया था, मशीनें भी आ गई थी और केंद्रीय सरकार से हमने थोड़ा प्रयास किया कि वह मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत उसको मेगा फूड पार्क के रूप में हमें स्वीकृति प्रदान करें। हमें खुशी थी कि उन्होंने वह स्वीकृति भी प्रदान की। उसके लिए कुछ अर्हताएँ होती हैं, कुछ पेपर वर्क होते हैं। उसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश शासन से रिक्वेस्ट किया और हमने ही नहीं, मेगा फूड पार्क के तहत फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में भी उनसे संपर्क किया, तो न तो मिनिस्ट्री के संपर्क के उनके प्रश्नों का उत्तर उत्तर प्रदेश शासन के लोगों ने देना मुनासिब समझा, न हमारी समस्याओं का कोई उन्होंने समाधान किया। मेगा फूड पार्क स्कीम, क्योंकि वह समय निकल गया, उन्होंने हमें 2-3 बार समय दिया। हम उस समय पर सरकार की लेट लतीफी के कारण से, उत्तर प्रदेश सरकार की लेट लतीफी के कारण से हम उसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए और इससे पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का, उससे जुड़े हुए लोगों का दिल कहीं ना कहीं इससे दुखी हुआ, हमारा मन टूटा। तो इस बड़े अभियान को अब पतंजलि ने यह संकल्प लिया है कि हम इसको ग्रेटर नोएडा में अब नहीं करेंगे और जहाँ पर भी भगवान हमसे सेवा कराएंगे, जिस भी प्रांत में हमको कार्य करना होगा, क्योंकि यह संकल्प हमने लिया है तो हम अवश्य करेंगे। परंतु अब ग्रेटर नोएडा की जो भूमि है वह हम पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को वापस कर देंगे। तो पतंजलि की धमकी के बाद आखिरकार अगर बात करें तो सीएम योगी ने बाबा रामदेव से बात भी की है। लेकिन आखिर यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, तमाम सारे सवाल हैं, आज आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आए हुए मेहमानों से सबसे पहले अपना परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से कर्नल दयाशंकर दुबे जी हैं। कर्नल साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जगदेव सिंह यादव जी आज हमारे साथ हैं। जगदेव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस बीच लाइव टुडे के न्यूज रूम से वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। प्रभात जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मेरा पहला सवाल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर्नल दयाशंकर दुबे जी के से ही है कि
कि फूड पार्क को लेकर के जिस तरीके से नाराजगी आचार्य बालकृष्ण ने जाहिर की है, अब सब कुछ ठीक ठाक है, अब कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं भी किसी भी तरीके का, और कंफ्यूजन था तो किस बात को लेकर के था? आलोक जी, आपको आभार, आपके चैनल को आभार, जो ये विषय आपने उठाया, कम से कम आपके माध्यम से हम लोग पूरे समाज को, प्रदेश को ये क्लियर कर पाएंगे कि ये पूरा मसला है क्या और आज की पोजीशन है क्या। जो आपने एकदम कट सवाल पूछा है कि अब की क्या पोजीशन है, तो अब की पोजीशन बिल्कुल व्यवस्थित है। आपने खुद ही कहा था अभी कि मुख्यमंत्री की बात बाबा रामदेव जी से हो गई है और चीजें यही होंगी। कहना क्या चाहते हैं हम कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति 2012 के तहत, ये 2016 के अंदर माननीय अखिलेश जी के द्वारा ये 455 एकड़ जमीन दी गई थी मेगा फूड पार्क के लिए, और इससे ये अपेक्षा की गई थी 8,000 से 10,000 लोगों को वर्क मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जो कि डायरेक्ट मिलेगा, और 80,000 परोक्ष रूप से ऐसी बात चल रही है। बिल्कुल, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था इस प्रोजेक्ट का, कि ये जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, जो हमारे देश की चीजें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, खास करके खाने पीने की चीजें, जैविक की मदद से वो बनेगी, और उनका लाभ उठाते हुए ये बेसिकली मिल्क बेस्ड, वेजिटेबल बेस्ड, या यूं कहिए कि इसके अलावा गेहूं चावल जो भी है उसको, मतलब परंपरा के अनुसार उसको उगाया जाएगा, और इसके लिए ये माना जा रहा था कि 700 टन के आसपास पर डे गेहूं का आटा का उत्पादन होगा और 400 टन के करीब सब्जियां आएंगी। ये बिल्कुल सही है। ये सब जो फायदे और जो डिटेल्स, जो तथ्य आप जो बता रहे हैं ना, ये उससे पहले समाजवादी पार्टी इन सब फायदों को देख चुकी है, तभी शायद उसने जमीन भी आवंटित की थी। जगदेव जी, हाँ ठीक है, आप बहुत फायदे मत गिराइए, स्थिति वर्तमान की बताइए, ठीक है जी। 16 में करने के बाद की जो स्थिति है इसमें कतई शक नहीं है। पहले ये बात समझ लीजिए आप कि सरकार की नीति और नियत एकदम स्पष्ट है कि किसी भी हाल से कोई भी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से बाहर न जाने पाए, बल्कि बाहर से लोग के आकर के यहाँ इन्वेस्ट करें। वो तो आचार्य बालकृष्ण जी अगर शायद इतनी नाराजगी ना दिखाते तो शायद मान मुनव्वल का कार्यक्रम भी ना होता। चलिए, मैं जगदेव जी के पास आ रहा हूँ। ये सब जो फायदे गिना रहे, ये सब तो पहले की सरकार की देन है जगदेव जी। इसके लिए तो जगदेव जी को शुक्रिया करना पड़ेगा, इसके लिए तो जगदेव जी को शुक्रिया करना पड़ेगा। जगदेव जी, देखिए आप सही रूप में देखें कि जो समाज हित की, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जो योजनाएं माननीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते चलाई थी, उन योजनाओं को आगे बढ़ा नहीं सके। आज अफसर शाही इन पे हावी थे और कहीं भी काम नहीं हो रहे हैं। लगातार आप देखिए, कहीं भी कोई स्थिति है तो अफसर इनकी सुन ही नहीं रहे, और जबकि लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये धमकी दे रहे हैं, धड़का रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहिए कि साहब काली पोत दी जाएगी, उसके बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी अच्छी में ये इतने एक साल से ज़्यादा हो गया, 100 साल होने जा रहा है, इनकी कार्य क्षमता पे, इनकी दक्षता पे, इनकी योग्यता पे मुख्यमंत्री के सब प्रश्न लगने लगे। खाली धमकी देने से काम नहीं चलता। आपने बसपा सरकार देखी, अधिकारी काम भी करता था और उससे उनसे और माननीय अखिलेश सरकार में सुनिए तो लगता बात है कि अगर एक्सप्रेसवे अगर पिछली सरकार में जिस तरीके से बना, चाहे गोमती रिवर फ्रंट की बात करें, और अगर ये मेगा फूड पार्क भी बन गया होता तो ये सरकार कुछ करती ना करती, लेकिन जांच जरूर करा देती। चलिए, लेकिन जी जांच जरूर कराती। ये पिछली सरकारों को कुछ काम करते हैं, उनकी योजनाओं में जान बढ़ाने काम करते हैं, लेकिन खुद कुछ करने में अक्षम है। बाबा रामदेव जिन्होंने योग को फैलाया, खुद क्यों अक्षम है, अपनी अक्षमता क्यों सरकार आखिर दिखा रही है, क्यों विपक्ष को कहने का मौका दे रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी के पास आ रहा हूँ, प्रभात जी, आपने देखा कि एक अच्छा खासा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, आखिर उसको कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार कहीं अगर बालकृष्ण साहब की अगर नाराजगी सामने ना होती तो शायद ये मामला कहीं ना कहीं खटाई में चला जाता, पता ही नहीं लगता किसी को कब जमीन सैंक्शन हुई, कब पार्क बनने की बात हुई थी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आलोक जी, इसको समझिए कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला बाबा जी का है, और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसा कि अभी जगदेव कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हड़काते हैं, हम तो कह रहे हैं बाबा ने एक सरकार को धमकाया और एक सरकार के मुखिया योगी जी को धमकाया, और योगी जी को मजबूर होकर कल रात में फोन पे बाबा जी से बात करनी पड़ी। देखिए सबसे बड़ा ये खेल क्या है, पूरा पेच आप समझिए। ग्रीन बेल्ट में जिस तरीके से 455 एकड़ जमीन की बात है, जैसे पतंजलि फूड पार्क
वहां स्थापित होना है और जमीन उनको कुछ मिल गई है। इसमें आलोक जी पूरा खेल है, 91 एकड़ जमीन बाबा मांग रहे हैं वहां कॉमर्शियल, जिसमें वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपने आउटसोर्सिंग वो अपने बड़े बड़े भवन बनाना चाहते हैं। आप इसको समझिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स थी। ये बाबा का जिस तरीके से एक सीएमडी कह रहा है बालकृष्णन, जो खुद किसी आरोपों में घिरे हैं ये लोग, और बाबा को तो मजबूरी में कंप्रोमाइज करना पड़ा क्योंकि उनके पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जाके उनके पैर छूते हैं बाबा के। तो अगर बाबा अगर इस पे बैकफुट पे ना आते, पूरी सरकार बैकफुट पे आ गई। प्रभात सर एक बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम रहा, पहले अमित शाह बाबा रामदेव से मिलने जाते हैं, उनकी गायों को चारा भी खिलाते हैं, बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके उसका जो रिएक्शन होता है वहां पर, उसके बाद बालकृष्ण जी ट्वीट करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत फिर एक्शन होता है, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन, ये होता है कि बाबा रामदेव को मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद फोन करते हैं, ये जो घटनाक्रम रहा, ये जो न्यूटन थर्ड रहा, जो क्रिया प्रतिक्रिया बड़ी जल्दी जल्दी हुई, इसको राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं आप? आलोक जी, आलोक जी, इससे सरकार की छवि गिरती है। बाबा रामदेव के दबाव में अगर योगी जी आ जाए, देखिए योगी को सरकार चलानी है, योगी जी एक बहुत साफ सुथरे और एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, लेकिन राजनीति में मजबूरी होती है सरकार को चलाए रखना, और अगर पार्टी अध्यक्ष उनके कृपा पात्र हैं और बाबा रामदेव एक इशारा करेंगे तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है, तो मुख्यमंत्री बेचारे योगी जी क्या करें। सबसे बड़ा प्रेशर टैक्टिक्स, देखिए इस देश के अंदर अगर बाबा लोग प्रेशर टैक्टिक्स से सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, और मेरा तो ये मानना है कि बाबा रामदेव को इस मामले पे झुकना नहीं चाहिए। 91 एकड़ जमीन जो ये कॉमर्शियल मांग रहे हैं, वहां पे फ्लैट्स बनाने के लिए मांग रहे हैं, वहां पे वो अपने उद्योग धंधे, देखिए आप पतंजलि फूड पार्क बनाइए, आप 10,000 लोगों को रोजगार दीजिए, ये 16,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, आप रोजगार दीजिए। अरे भाई रोजगार देने के लिए सरकार है, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, लेकिन आप उसमें व्यवसाय करेंगे और सरकार के ऊपर आप प्रेशर टैक्टिक्स बनाएंगे तो ये तो बाबा रामदेव है ना। बाबा रामदेव का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या यूपी की सरकार हो, वो जानते हैं कि अगर हम उन्होंने बालकृष्ण से दबाव बनवाया, बालकृष्ण उनका कौन है भाई, उनका एक एमडी है पतंजलि फूड, आज जिस तरीके से पतंजलि आसमान पे चढ़ गई है और उनके रेट्स बढ़ रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट के रेट बढ़ा रहे हैं और अपनी गुणवत्ता भी धीरे धीरे उनकी गिरती जा रही है, तो आज बाबा रामदेव की साख की वजह से अगर सरकार को आप धमकाएंगे और अगर मुख्यमंत्री को बैकफुट पे आना पड़ा तो निश्चित तौर पर यह हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी जी अगर नियमानुसार काम कर रहे हैं, हाँ एक गलती है कि योगी जी के जो नौकरस हैं ब्यूरोक्रेट, ये पूरा आईडीसी का मामला है, उनके आईडीसी अनुपचंद पांडे क्या कर रहे थे जी। तो प्रभात जी ऐसे में सवाल ये है कि इस सवाल ने कहीं ना कहीं तमाम सारे सवालों को जन्म दिया है, वो इसलिए प्रभात जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि अब मामला काफी गंभीर है और एक सवाल ने तमाम सारे सवालों को जन्म दिया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की छवि साफ सुथरी, लेकिन फिर भी आखिर क्यों बाबा रामदेव के आगे बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। देखिए आलोक जी, अगर मुख्यमंत्री योगी के सामने इस तरीके का राजनीतिक दबाव पड़ता रहेगा, चाहे उनके पार्टी अध्यक्ष हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, देखिए अगर आप किसी मुख्यमंत्री को सरकार नहीं चलाने देंगे और उनको अपने हिसाब से कार्य, ठीक है अगर नौकर साहब में कुछ कमी थी, इस प्रोजेक्ट की फाइल लटकी थी, अगर कुछ प्रोजेक्ट रुक गया कहीं तो आप ये कहिए कि भाई देखिए मेरी फाइल रुक रही है, लेकिन अगर आप दबाव बना के 91 एकड़ जमीन लेंगे और वो भी कॉमर्शियल यूज करेंगे उसका, वो बड़े बड़े वहां पे अपने ऑफिस बनाने जा रहे हैं सारी चीजें, पतंजलि फूड पार्क का जो मामला है वो आप एग्रो की उसकी जमीन है, आप उस पे काम कीजिए, अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री पे दबाव बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री बैकफुट पे आ जाएंगे तो फिर सरकार चल गई तो अगर आप इस तरीके से सरकार चलवाएंगे एक पार्टी के अध्यक्ष, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, मेरा जो अपना राजनीतिक आकलन कहता है कि पार्टी अध्यक्ष बाबा रामदेव के जाके पैर छूते हैं और अगर उनके संबंध है बाबा रामदेव से इस पार्टी के अंदर हाई लेवल पे, तो आप किसी मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री तो एक इंसानियत के नाते उन्होंने पूछा कल फोन करके कि आखिर आपका नहीं, लेकिन ऐसे में अगर हम सवाल ये करेंगे कि पैर छूने की बात जो आपने कही प्रभात जी, अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता से अगर हम ये सवाल करेंगे तो वो हमी से सवाल के बदले सवाल कर देंगे कि आलोक जी पैर छूना कोई गलत बात होती है क्या, वो तो आशीर्वाद ही मिलेगा। खैर मेरा जो मुद्दा है वो यही है कि अफसरशाही का जो लचर रवैया नजर आया इस पूरे मामले में, और हमारे साथ पूर्व आईएएस एस के द्विवेदी जी जुड़ गए हैं,
एसके द्विवेदी जी, इस पूरे मामले में सबसे पहले तो मैं आज डिबेट में आपका स्वागत करना चाहूंगा, और जो पतंजलि फूड पार्क की जो बात सामने आ रही है इसमें जो लचर रवैये ने कहीं ना कहीं अधिकारियों का, खास करके लचर रवैया जो बाबा रामदेव को नाराज कर दिया है, आपको लगता है कि इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपनी कहीं ना मनमानी दिखाई है? आलोक, इसको मैं दो पार्ट्स में लेके चलूंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि फूड पार्क जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की हैं कि मेगा फूड पार्क्स कैसे बनाए जाएंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, क्या विशिष्टताएं होंगी और उसमें क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। जी जी। एक प्रोजेक्ट समिट होता है 2015 में पतंजलि उद्योग की तरफ से कि साहब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा में एक फूड पार्क लगाना चाहते हैं जिसमें 16-16.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जी जी। और इसमें करीब करीब 5-10 हजार लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप था, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ रियायतें मांगी। वो रियायतें इस मेगा फूड पार्क के जो गाइडलाइंस हैं उसके बाहर हैं। बिल्कुल, खेल यहीं से शुरू होता है। ब्यूरोक्रेसी पर ये प्रेशर था कि आप इसको यथावत मान लीजिए, फाइल तो हम लोगों को करनी पड़ती है, पॉलिटिकल लोग नहीं करते जी। और दिक्कत ये होती है कि जो चीजें गाइडलाइन से हटके हैं उसको हम प्रेशर में कैसे करें, जांच तो हमारी होनी है। तो आप लोग क्यों प्रेशर महसूस करते हैं? इसलिए मैं अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इसीलिए इस पत्रावली में बार बार ये ऊपर नीचे होती रही, इसमें किंतु परंतु लेकिन लेकिन लगे रहे, और कोई भी व्यक्ति ये चीज स्पष्ट नहीं कर पाया जो एजेंसी आ रही थी इसके लिए एप्लीकेशन दे करके कि उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको रेक्टिफाई कर दीजिए ताकि हम आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दें। अब जब एक प्रेशर टैक्टिक्स बना कि साहब नहीं हम यहां से विड्रॉ कर लेंगे, कहीं और ले जाएंगे, तो वो भी केवल इसलिए था जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब बोल रहे थे कि जो चीजें डेविएशंस हैं, मेगा फूड पार्क का जो डेविएशन है उसको भी मान लिया जाए। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं और उससे डेविएशन सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेसी को आरोप करना मेरी समझ से पूरी तरह से सही नहीं है जी। चलिए, अब कर्नल साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं सीधा कैप्टन एसके द्विवेदी साहब को बड़े निवेदन के साथ कहूंगा, क्योंकि वरिष्ठ हैं, यदि कोई प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अंदर नहीं आता है तो यह उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी बनती है कि या तो उसको वेवर के लिए वो ले जाएं, या उसको, ये आज से नहीं हो रहा, आज हमारी सरकार के टाइम से हो रहा, या तो उसको वेवर के लिए ले जाएं ताकि वो कंडीशंस वेव कर दी जाए, चाहे उसका लेवल कुछ भी हो, मुख्यमंत्री का हो और चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, मैं इसमें नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिए तरीका है कि वेव किया जा सकता है, वेवर दिया जा सकता है। यदि नहीं देना था और सरकार ने कंपोजिट तरीके से कैबिनेट में डिसाइड कर दिया था तो उसको इंटीमेट भी किया जा सकता था। आप कतई इस बात को कहीं नहीं कह सकते। मैं सीधा सीधा द्विवेदी सर से बड़े आदर पूर्वक बोलूंगा, क्योंकि ये आर्मी में भी रहे हैं, हमारे वरिष्ठ रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि आप भी इस तरह की अथॉरिटीज में कई बार रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे प्राप्त है। जब तक अधिकारी चाहता है, जब जब अधिकारी चाहता है वो प्रोजेक्ट सफल होता है, और जब जब वो इंटरेस्ट नहीं लेता है वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आज एक ही आरोप है, उसे कैसे आप जान छुड़ाएंगे? सारा ठीक अधिकारियों पर क्यों फोड़ते हैं? जिसको आप लोग अधिकारियों में एक बहुत छोटे सा सवाल, सवाल छोटा है पर अहम है, कर्नल साहब, आप लोग अधिकारियों में डर क्यों नहीं बिठा पा रहे? क्यों नहीं बिठा पा रहे? सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूँ। किसका सिकरा सर आप किसके सिर पर ये ठिकरा फोड़ने जा रहे हैं, जब आप जानते हैं अच्छी तरह से, जैसा कि अभी आलोक जी ने भी कहा था और भाई प्रताप, ये प्रभात जी ने भी कहा था, पैर छूते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छूते हैं, अच्छी बात है, उनके प्रति हो भी सकता है कि एक सहानुभूति हो, लेकिन वो सरकार से ऊपर नहीं है। या तो वेवर लिया जा सकता था या इन्फॉर्म किया जा सकता था। अनूप चंद जी जो आपके यहाँ के प्रमुख सचिव हैं, उनका आज कहना है, अभी भी वो कह रहे हैं कि ये रद्द नहीं किया गया है, केवल पिप। और दूसरी बात कि प्रभात भाई, इतना कड़ा होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो नेचुरल बात है जो वहां क्वार्टर बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, उनके अपने लोग होंगे, ऑफिस बनेगा,
इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं उसकी चिंता मुझे भी है कि कॉमर्शियलाइज करके उसको बाहर बेचा ना जाए, लेकिन यदि फूड पार्क के लिए बनता है तो उसी के लिए उन्होंने मांगा। दूसरा एक चीज और देखिएगा, और कहा था एसी पांडे जी ने एक बात कि ये आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के लिए अलग से उसको करना चाहते थे, मुझे लगता है इसके ऊपर भी विचार हो जाना चाहिए था। और इसमें कतई कोताही नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, ये बार बार हमको जगदेव सर बीच में आपको भी इंटरप्ट कर रहे थे और उनको प्रभात भाई को भी इंटरप्ट कर रहे थे, जगदेव सर आप इस बात को मानिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ब्यूरोक्रेसी को ऐसा बना दिया था पंगू कि ये आज भी साल भर के बाद हिलने को तैयार नहीं है, हालांकि हम लगे हुए हैं हिला के इनको छोड़ने जिम्मेदारी से करवाएंगे, दूसरे पर हमारी जिम्मेदारी है ये काम करवाना। रुक जाइए, मेरा एक बहुत अहम सवाल है, बहुत करवाने के ये डिबेट में दावे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को खुद कहना पड़ा कि अफसर सुन नहीं रहे हैं। सवाल ये अफसरों को लेकर के अगर बात करें, मैं इस सवाल का जवाब प्रभात जी से लूंगा। प्रभात जी, कोई भी सरकारें आए लेकिन अफसरों को लेकर इस सरकार में योगी जी ने कहा अफसर सुनते नहीं है, पिछली सरकार में अफसर जेब में डाल करके मंत्री जी काम करते थे, हाल दोनों का बराबर है, नुकसान किसका हो रहा है, जनता का हो रहा है, क्यों प्रभात जी? नहीं, निश्चित तौर पर सही गलत क्या पर देखिए प्रभात जी, देखिए आलोक जी, आलोक जी दुबे जी एक प्रवक्ता है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफाई देते हुए अपनी बात रखेंगे, और कैप्टन दुबे जी एक रिटायर्ड नौकर साहब हैं, उनके लिए हमारे पास क्रॉस क्वेश्चन रहते हैं दुबे जी को भी क्रॉस करने के लिए। सवाल इस बात का है कि आज जिस तरह योगी को अपने अधिकारियों के बल पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मनाने के चक्कर में उनको बाबा से बात करनी पड़ी, अरे योगी संत है, कोई कमीशनबाजी योगी नहीं कर रहे हैं, योगी इस प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट आईडीसी अनूप चंद पांडे अगर जवाब नहीं दे पा रहे और सफाई दे रहे हैं और बाद में ये, क्योंकि अगर ये पार्क चला जाएगा तो इसके राजनीतिक कई मायने होंगे और वो राजनीतिक मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे, क्योंकि जिस तरह तीन लोकसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, आज अभी अमित शाह गए हैं मातोश्री में, इस समय वो शिवसेना के प्रमुख से मिल रहे हैं और अपने तो ये सारी जो कवायद है, संपर्क अभियान अमित शाह ने निकाला है, उधर बाबा की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक टेढ़ी खीर होने जा रही थी, तो उसको मुख्यमंत्री योगी ने अगर फोन करके बात की है तो वो उनकी सहृदयता है कि एक चीफ मिनिस्टर अगर बात कर रहा है, लेकिन अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि उनका पंचम दल और उनका आईडीसी कैसा है। मुख्यमंत्री को सोचने की वाकई में जरूरत है, हालांकि वो दर्द मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर सामने भी आया। जगदेव जी, आप लोग भी ज्यादा खुश मत होइए, अफसरों को लेकर के आप लोग भी अपनी मनमानी करते थे, जेब में डाले अपनी अपने मन से काम कराते थे उनसे, और इस सरकार में भी काम नहीं हो रहा है, बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, बहुत फर्क है। पिछली सरकार में जो 5 साल चली, माने अखिलेश यादव ने चलाया, उसमें कभी भितंदाबाद नहीं हुआ अधिकारियों में और मृत्यु कुछ अफसर तो वही है, थोड़े से तो बदले अफसर तो वही है, परंपरा तो आप ही लोगों ने डाली है। ये मुख्यमंत्री की योग्यता पर, उनकी सक्षमता पर डिपेंड करता है, कौन किसे क्या काम लेता है, ये मंत्री की उसकी योग्यता होती है कि अपने अधिकारियों से मातहत से काम ले पाता नहीं ले पाता है। ये अक्षम मुख्यमंत्री उसे काम लेने की स्थिति में नहीं है। और ज्यादा फूड पार्क की बात है जिसको अलर्ट किया गया था, माननीय अखिलेश यादव ने किया था, अभी हमारे पत्रकार जी कह रहे थे क्या मुझसे करोड़ एकड़ मांग रहे थे, अरे उसमें कॉमर्शियल मांगे तो उसमें ऑफिस बनेंगे, रेजिडेंस बनेंगे, उसमें गलत क्या है? और उससे मार तो फूड पार्क और अधिकारियों की जहां तक बात है, अधिकारियों को फाइल दबा के नहीं रखना चाहिए। अधिकारियों को समस्या है तो मुख्यमंत्री के बड़े बड़े नेताओं के जो उससे संबंधित हैं, चाहे केंद्र सरकार, उसमें उनको संज्ञान लेना चाहिए और उसका बदलवाना चाहिए। और ये बाबा रामदेव वही है जिनका बीजेपी ने पूरा इस्तेमाल किया, बीजेपी ने पूरा इस्तेमाल किया ना कांग्रेस के खिलाफ। बाबा रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद की है और पूरा प्रचार किया है, ये तो मैंने घर से निकल लिए थे, मतलब आए थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप चलिए राजनीति, आप लोग अपने अपने बात, मुझे मैं यहाँ पर वर्किंग कल्चर को लेकर के बात, जल्दी से कर्नल साहब 30 सेकंड, विदेश में ही बस, कर्नल साहब 30 सेकंड में मुझे त्रिवेदी सर के पास आना है, एक एक करके बोलिए बाबा, इनके आवाज पर चले जाए, समझ में नहीं आ रहा है, दवाओं का प्रचार प्रसार किया है तो बाबा रामदेव है, ऐसे लोगों के संतान आपका समय खत्म हुआ, चलिए कर्नल साहब जल्दी से 30 सेकंड, जब बाबा इनके यहाँ चले जाए मुख्यमंत्री के आवास पर, उनको आशीर्वाद दे के आ जाए, उसके बाद फूड प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, तो बाबा से इनका कोई संपर्क नहीं है।
लेकिन यदि हम प्रणाम करें तो हमारे तरफ हो गए। आप बाबा के बाबा सबके तरफ की वकालत कर रहे हैं क्या? बाबा जो है सुनिए सुनिए चीज को, उसको घुमा देंगे हम लोग, गलती हो जाएगी तो हमको एक लाइन दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए, उतने माफ कर देंगे। मेरा काम आप रुक जाइए बड़े भाई, रुक जाइए आप, ये भाई एक मिनट आपको बाबा के गुणगान के लिए चाहिए। सम्मान है लेकिन बाबा जो है कानून से ऊपर नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। रही बात महाराज की, महाराज एक संत आदमी है, एक धेले से किसी का लेना देना नहीं है। इस बात को प्रभात भाई भी शुरू करेंगे और एसके द्विवेदी साहब जिन लोगों के अंडर में काम किए हैं, ये भी अभी अनुभव अपना बता देंगे कि बाबा को किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जरूर प्रदेश से ये लेना है कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रदेश के बाहर ना जाए, और उसके लिए बाबा काम कर रहे हैं, उसके लिए वो हर जगह नीचे घुसने को तैयार है, हर एक के सामने बाबा झुकने को तैयार है। लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, दबाव रहता है ब्यूरोक्रेसी पर, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी भी तो अधिकारियों की कुछ होती है। जैसे कि एक सर ने भी कहा कि ये प्रोजेक्ट अन्य स्टेट में ना चले जाए, यूपी में रहे कम से कम, यूपी के लोगों को फायदा मिलेगा। इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं ना। एसके द्विवेदी जी जल्दी से सर, मुझे सर अभी तो एक ऐसे सिंगल साहब थे जो सिंह मारते हुए चाचा जी के प्रेशर में आकर के अपना सब विभाग छोड़ करके सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव बन गए, और तब मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। ये क्या बताएंगे, सबको बिगाड़ चुके हैं, सबको खराब कर चुके हैं। बहुत अच्छा कर रहा सिस्टम, सभी के सामने आ रही है, यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये उपचुनाव में ले डूबा आप लोगों को। शर्म करिए, शर्म करिए, उपचुनाव के नतीजे देख करके यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है। आपका केंद्रीय गुंडा कह रहा है की ले डूबा आप लोगों को उपचुनाव में, सुधर जाइए, जुमलेबाजियों ज्ञान बांटना बंद कर दीजिए, शर्म करिए। इसको तो दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना जल्दी से, एक सवाल का जवाब जल्दी से। हाँ आलोक, ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा से जवाबदार रहती है, क्योंकि नियम कानून सारी चीजों की जानकारी उनको होती है, फाइलें वो प्रोसेस करते हैं। अब केवल ये प्रश्न उठता है, मुझे याद है मैं 2005 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एडिशनल सीईओ होता था, जब पहली बार बाबा रामदेव सहारा के ओम प्रकाश श्रीवास्तव साहब और होंडा के मुजाल साहब के साथ ग्रेटर नोएडा देखने आए थे, मैंने उनको कंडक्ट किया था, मुझे याद है। तब से उनको वो जगह बहुत पसंद थी और वो चाहते थे कि उनका कुछ काम यहाँ पे चले। कालांतर में उस समय जो कंडीशंस थी उसमें उनको जमीन नहीं अलॉट हो पाई, कालांतर में उनको जमीन मिली मेगा फूड पार्क के लिए, और मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट भारत सरकार का सबसे इस समय के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स चार पांच आ रहे हैं ड्रीम, उनमें से एक है, वो आ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि अलॉटमेंट के बाद देखिए वहां पे काम अभी तक कुछ शुरू नहीं हो पाया, और अच्छे संकेत शायद इसलिए भी क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार, और राजनीति छोड़ दीजिए लेकिन परोक्ष रूप से भी 80,000 से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर, जिन रोजगार को लेकर इन्वेस्टमेंट की भी बात है, 16,500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो ये वही सरकार है जिसने इन्वेस्टर समिट के दौरान 4,50,000 करोड़ के निवेश का दम भरा था, निवेशकों को सुरक्षा की बात करी थी, लेकिन अब तमाम सारी चीजें क्या हैं, निवेशकों से बड़े बड़े वादे किए थे, सिंगल विंडो सिस्टम की बात की थी, लेकिन असलियत यह है कि अफसर शाही के लचर रवैये ने बाबा रामदेव को नाराज कर दिया। कहां पर हुई नाराजगी, चूक कहां पर हुई, इन सवालों के भी जवाब लेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुल मिलाकर योगी सरकार के मंसूबों पर अफसरशाही कैसे पानी फेर रही है, इसका जीता जागता नमूना है, और हमने कुछ ग्राफिक्स भी दिखाए। मैं अब एसके द्विवेदी जी के पास आऊंगा ब्रेक में जाने से पहले। अफसरशाही पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि सरकार की योजनाओं को लेकर के पानी फेर रही है, आखिर क्या कुछ वजह है, आप लोग क्यों इतना सुनना क्या पसंद करते हैं, या आप लोगों की भी अब आदत सी हो गई एक आप लोगों से मींस अफसरशाही को लेकर ब्यूरोक्रेसी की, कि बैठे रहो चुप मारे, 5 साल बाद आएगी जब अपने पसंद की सरकार आएगी तब काम कर लेंगे। आलोक देखें, ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं, अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स समिट हुआ था और उसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे तो सारी कार्य योजना ब्यूरोक्रेसी ने ही बनाई थी। आईडीसी अनूप चंद पांडे जी जिनकी बात हो रही है, हम लोग साथ काम किए हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ बात ये उठती है कि जिम्मेदारी जब कोई चीज़ कहीं डेविएट होती है
तो किसी न किसी के गले पे तो आके रुकेगी। तो सबसे कमजोर जो गला होता है वो ब्यूरोक्रेसी का है, जिसको जब चाहे वो। तो आप लोगों ने कमजोर बना रखा है। नहीं, हमने बना नहीं रखा, मैं उस पर आ रहा हूँ आपको। हम लोग स्ट्रांग भी हैं। अगर आप देखें, ये इतना सफल इन्वेस्टर समिट पहली बार हुई थी। मैं 2013 में उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन लेकर के गया था वाइब्रेंट गुजरात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और हमने उसको भी देखा है। ये मेगा इवेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था फरवरी के महीने में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वो किसी मामले में उससे कम नहीं था। काफी अच्छा एमओयूज भी साइन हुए। अब केवल यह है कि कार्य को गति कैसे दी जाए। आपने देखा होगा, सुना होगा, पीछे के कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ है कि एक सेल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए क्रिएट किया है, जो सीधा उनके अंडर में काम करेगा। उस सेल में कौन कौन लोग होंगे, कदाचित अब मेरा ख्याल है इसी सप्ताह आ जाएगा, और उनका काम यह है कि प्रोजेक्ट वाइज वो फॉलो अप करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे या एमओयू साइन हुआ था, और उसमें क्या कमी रह गई है या क्यों नहीं वो टेक ऑफ। चलिए, इस स्तर को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो विपक्ष इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा था, और जगदेव जी से एक सवाल कि आप लोग भी कह रहे थे कि आए हजारों करोड़ों रुपए का कितना भी आज समिट पहले आए तो, लेकिन हाथ में तो आए वो पैसा भी तो सबने साइन किया है, झूठे साफ लिखा करके, सारे सपने दिखा करके आप लोग ये सरकार ने करा लिया, ये विपक्ष का आरोप था जगदेव जी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने भी आए थे, और इस जब उसमें आए तो लोगों ने कहा कि मैंने 10,000 करोड़ खर्च किया, बाकी और करने वाले, कोई नई बात नहीं है। और जो योजनाएं मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के एसोसिएट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चलाई थी, उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाए। आप सिक्स लेन की बात कर लीजिए, जात तो करा रहे हैं, लेकिन जो जमीन एक्वायर करके रखी थी अखिलेश यादव ने लखनऊ से लेकर के, उस पर चला नहीं पा रहे, जात तो करा रहे हैं। इसमें आप इसकी बात रिवर्स साइड की बात की, जांच तो आप करा रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं रहे। जो अच्छी योजनाएं थी, जनहित की योजनाएं थी, जांच से भाग क्यों रहे पीछे? अब वही मामला लीजिए, जिन योजनाओं को हमने चलाया, अखिलेश सरकार ने चलाया, और वो सरकार जिसने अपने एजेंडे को 2.5-3 साल पूरा कर दिया, ये तो संकल्प पत्र को छू भी नहीं पा रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, जो अच्छी योजनाएं हैं नाम बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए। प्रभात जी के पास आ रहा हूँ, प्रभात जी बहुत जिम्मेदारी वाला है, ठीक है? आप लोग कभी खुल के क्यों नहीं ये बात कहते हैं कि सांच को आज क्या जांच कराओ? आप लोग जांच से डरते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए, जांच से भाग क्यों रहे हैं, भागते क्यों हैं? जब डर नहीं है तब क्या कहिए खुल करके, आप चाहे सीबीआई जांच करा लो, चाहे कोई भी जांच करा लो। आलोक, ये बात कभी नहीं सुनाई दी आप लोगों के मुंह से? आलोक इस तरह से बात हो, इस तरह से जगदेव भाई बात करेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। मैं अभी सबसे बात करूंगा, मैं सीधे पहले प्रभात जी के पास आ रहा हूं। प्रभात जी, आपसे बहुत एक जिम्मेदारी वाला सवाल। सरकार लगातार सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रही थी, सुनिएगा प्रभात जी मेरा सवाल, लेकिन अगर बात करें कि एक ही छत के नीचे तमाम सारी चीजें हो जाए, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, लोगों को दिक्कत ना आए, लेकिन टाइटल स्टील की अगर बात करें, जिससे हम मालिकाना हक की बात करते हैं, जैसा कि ये मामला सामने आया, इसके लिए किस तरीके से लापरवाही सामने आई, कितना दिक्कत हो रही है? जब बड़े बड़े लोगों को ऐसी दिक्कतें हो रही है तो फिर सिंगल विंडो का क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखिए आलोक जी, अभी कैप्टन द्विवेदी जी कह रहे थे अनूप चंद पांडे के आईडीसी के बारे में। देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज नौकरशाह हमारा जो ब्यूरोक्रेट है वो पिछली सरकार में भी था, अखिलेश की सरकार में भी था, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि योगी की 1.25 साल की सरकार आज अगर असफल हो रही है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक, चाहे आपका चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे आपका पंचम तल का प्रमुख सचिव हो, चाहे आईडीसी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो। देखिए जमीन एक्वायर करना है, लैंड एक्विजिशन जो हमारा वो बना हुआ उसमें जमीन एक्वायर करना है, ये जो पूरा पैच है फुटपार्क का 91 एकड़ का मामला, जो 25% जो उनको छूट देनी थी। देखिए खेल अगर सरकार को दबाव में लेके, अगर बाबा ने दबाव में ले लिया, सरकार दबाव में आ गई, तो आखिर आम आदमी का क्या होगा? देखिए इन्वेस्टर मीट सफल हुई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना इस सरकार की है बहुत अच्छी है। अभी परसों मुख्यमंत्री वहां पे भदोही गए थे, कालीन उद्योग में वहां एक कार्यक्रम हुआ। कुछ योजनाएं सरकार की है, अगर वो वाकई में धरातल में और उतर जाती है, उसका अमली जामा उसको पहना दिया जाता है अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पर सरकार। चलिए आपने बहुत सही बात कही, मैं आ रहा हूं, अधिकारियों द्वारा अगर योजनाएं तो बहुत है, लेकिन अमली जामा अगर अधिकारियों द्वारा
बना दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, उसको तो योजनाओं का सीधे सीधे लाभ मिलेगा। फेल्योर आखिर कहां पर पाते हैं कर्नल साहब? आज की डिबेट के संदर्भ में मैं दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि महाराज जो है यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बिल्कुल नियत है कि वो करेंगे, वो झुकने को कहीं तैयार नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, कुछ भी हो, वो झुकेंगे नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जनता के लिए और प्रदेश में यदि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए वो झुकने को तैयार है, उसके लिए उनको सुविधाएं देने को तैयार है, उनके लिए यदि कोई वेवर लेकर के अच्छी चीजें और करनी है, सुविधा दे करके, लेकिन उसको चलाना है। समस्या जो ब्यूरोक्रेसी की हम लोग बार बार कर रहे हैं सर, ब्यूरोक्रेसी ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जिसको कि ऐसा नहीं होता कि पार्टी चली गई तो ब्यूरोक्रेसी भी चली गई, उसको अपना काम करना होता है। करते करते क्या होता है कि अभी तक जो चलता रहा है एक साल पहले तक, इसको लूप लाइन समझ करके जितने भी शेष सचिव से लेकर डिप्टी वाले थे ये सब लूप लाइन में जाले देते थे। काम शुरू स्लो जरूर हमारे यहां हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ईमानदारी पूर्वक हो रहा है और धरातल पर उतर रहा है। क्यों? इनके यहाँ फास्ट होता था, फास्ट हुआ, पैसा लिया, हम उनसे घर पहुंचा दिए, उनके लिए वो काफी है, वो अपनी पार्टी के जवाब देने के लिए काफी है। जल्दी से सर, एक सेकंड और, तीन बातें कहनी है, एक सेकंड और। इसी के तीन प्रोजेक्ट इसके उदाहरण है, रिवर गोमती आपने देख लिया क्या हुआ, हो गया सर, आप लोगों ने भी कुछ बहुत ज्यादा उसमें नहीं कर दिया। अभी अभी एक मिनट, कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है सर, इतने लाख कमाने पर छोड़ दीजिए। अगर मैं तो मैंने ये बात शुरुआत में ही कही थी, मैंने ये बात शुरुआत में, अगर ये मेगा फूड पार्क बन गया होता तो ये सरकार ये जांच जरूर करा लेती, उसकी भी जांच करा लेती। चलिए ठीक है, मैं अस्तित्व द्विवेदी जी सर, समय बहुत कम है, सब मेहमानों को जाना है। चलिए अस्तित्व द्विवेदी जी, सवाल ये है, जैसा कि कर्नल साहब ने भी कहा कि सुनेंगे सर, सुन लेंगे, ठीक है, डेरा डालो घेरा डालो नहीं चलेगा सर, जो चलेगा वो उन्हें मंजूर है पार्टी का। जिम्मेदारी लीजिए, एसके द्विवेदी जी पहले के साथ मुझे आने दीजिए। चलिए एसके द्विवेदी जी, सवाल ये है बड़ा, मुख्यमंत्री को बधाई दीजिए, लगातार जो मुख्यमंत्री जी को कहा, मैं चाहूंगा कर्नल साहब का जो पैनल ऑडियो है थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए ताकि मेरी आवाज पहुंच जाए। जी अनिल, आप ऑडियो का लेवल थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, इन दोनों का, राजनीतिक दलों का। सर मुझे सर पूर्व आईएएस बैठे क्या सोचेंगे राजनीतिक दल लोग, कितना हावी है ब्यूरोक्रेसी पर यहाँ पर, बल्कि ब्यूरोक्रेसी हावी के बाद यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ये राजनीतिक दल यहाँ पे भी हावी है। देखिए किस तरीके से दबाने की ब्यूरोक्रेसी की कोशिश करें, इससे बड़ा उदाहरण भला क्या हो सकता है। मैं लगातार सर जिम्मेदारी से एक सवाल यही है कि जैसा कि कर्नल साहब ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी झुके नहीं अभी तक, लेकिन अफसर शाही ने कहीं ना कहीं झुका दिया, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब का बयान आया था कि अफसरों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने काम में कहीं ना कहीं शिथिलता ना बरते, ये अपील की थी। ये संस्कारित भाषा है, हाँ, ये जी ये बाबा झुकने वाले में से नहीं, सुनेंगे बाबा झुकने वालों में से नहीं है, बाबा ऐसे पद को कई को जरूरत पड़ेगी तो छोड़ सकते हैं, बाबा झुकने वाले नहीं है, बाबा झुका करके, यही तो हम कह रहे हैं, बाबा ने कैसे ब्यूरोक्रेसी को झुका रखा, यही तो हम भी कह रहे हैं। ठीक है, मुझे मुझे सर गलत संदेश आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पे भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को, आप लोग बोलने नहीं दे रहे, यहाँ पे भी यही हाल है आप लोगों का, यही ब्यूरोक्रेसी पे हावी है, यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे सर, या तो आप बात रखिए कम से कम, हम आपको मौका दे रहे हैं सर। आलोक देखिए, ब्यूरोक्रेसी का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग शुरू से ये कहते हैं कि हम लोग घोड़े हैं, आप हमसे कैंटर करा लो, हमसे ट्रॉट करा लो, और या फिर हमारे पैर को बांध के कहीं पर खड़ा कर दो, हम बैठ के अपना खुर नचाते रहेंगे। यही ब्यूरोक्रेसी काम करती है, इसी ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और हैं अभी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें ब्लैक शीप भी होते हैं, वो भी हैं, उसको भी मैं गलत नहीं मान रहा हूँ, और सकते हैं कि आपके बीच में खच्चर भी है, हाँ, उसको भी तो याद रखिए। नहीं, मैं कहता रहा हूँ ब्लैक शीप है हमारे बीच में, मैं उसको कह रहा हूँ। इस राजनीतिक दलों के अलावा कर्नल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी वाला एक सवाल कि बाबा रामदेव के मुताबिक इस फूड पार्क से करीब 10,000 लोगों को सीधा रोजगार और 80,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, और आप लोगों ने कितने करोड़ रोजगार की बात भी की है इस सरकार ने। सवाल ये कि जरा भी इस ओर ध्यान दिया होता शायद, क्योंकि युवाओं के रोजगार से ये बात सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, आप लोगों ने भी बहुत इसको कैजुअली लिया इस प्रोजेक्ट को। बहुत बढ़िया सर, आपने बात कही है, क्योंकि हम युवा हैं, युवा रोजगार चाहिए युवाओं को एक अदद, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। हम इसीलिए, आपने जिम्मेदारी की बात कर दी, हम जिम्मेदार तो हैं जी, जी
मेरा कहना यह है सर कि जो आपने एक बीच में पॉइंट उठाया था, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट से पास करा के या नहीं भी पास कराते तो एक उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट समिट के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए अलग से एक मॉनिटरिंग होगी, उसके अधिकारी होंगे। आज ये उसी का परिणाम है कि जैसे ही बाबा रामदेव जी के यहां से ये सूचना आई, तत्काल तत्पर हो गए और तुरंत उन्होंने बात कर ली और इसको हमने रोक लिया। यही है हमारी नीयत, यही हम कहना चाहते हैं। वो एक छत जो है, एक छत के नीचे काम हो रहा है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि एक जमाना था जब मुख्यमंत्री के पैरेलल मुख्य सचिव खड़ा हो जाता था और वो चाचा जी से कहता था मुझे मुख्य सचिव बना दो पार्टी में बैठकर दिल्ली में, और उसको बना दिया गया। आप अपनी पार्टी की बात करिए, आपकी पार्टी में कम समस्या है क्या? आपकी पार्टी में कम समस्या है क्या? वो सरकार और संगठन में, सरकार और संगठन में जो कह रहे थे, द्विवेदी जी जो कह रहे थे, वो ब्लैक शिप आदमी के देवी है। आपने वो ब्लैक शिप हमें दिया है, हमने रोजगार देने का मत भूलिए। आपने वो ब्लैक शिप हमको दिए, वो खच्चर दिए, जो की हमारी रेस में हमारी नीति के हिसाब से वो सब चल नहीं पा रहे हैं। देख रहे कैसे दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं सरकार में। यही काम ये लोग सड़क पे भी करते हैं, सदन में भी करते हैं और लाइव टुडे की डिबेट में भी करते हैं। मैं प्रभात जी से एक फाइनल कमेंट चाह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी का, क्योंकि जो आज हमारा मुद्दा है बड़ी बहस का, सर कोई भी इस मेगा फूड प्रोडक्ट को जो है प्रोजेक्ट है इसको हाथ से नहीं निकलने देना चाहता, आखिर फिर लूप होल्स कहां पर नजर आ रहे सर? एक फाइनल कॉमेंट। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट सरकार नहीं निकलने देती है, ये एक अच्छी बात है। एक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, एक एनसीआर और नोएडा के आसपास रोजगार के पर्पस से अच्छा है, लेकिन कहीं किसी सरकार को दबाव में भी नहीं आना चाहिए, नियमानुसार काम करना चाहिए। यही योगी जी 4 महीने तक लगातार एक ऐसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर दिखाई दिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरह उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, पिछले लगभग दबाव बनाया जा रहा है, कई और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के अंदर का मसला है। लेकिन अगर फूड पार्क की बात आप करें तो आज ये कल से लेके आज तक जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसका जो संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं संदेश ये निकल रहा है कि राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के दबाव में योगी जी को निर्णय वापस लेना पड़ा। अरे पतंजलि फूड पार्क अगर नोएडा में रहता है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेंगे, लेकिन नियमानुसार रहे, अधिकारी भी नियमानुसार काम करें, नेता भी अपने दायरे में रहे, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष, सबको कहीं ना कहीं अपने दायरे में रहना चाहिए। मैं फाइनल कमेंट, एसके द्विवेदी जी एक फाइनल कमेंट, जल्दी से बस डिबेट खत्म होने की। मैं आपकी बात से प्रभात जी एग्री करता हूं। सर बस आप लोगों को ज्यादा एक एक जल्दी से फाइनल कमेंट, सर एसके द्विवेदी जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि इस पूरे जो मुलाकातों का सिलसिला है, चाहे आचार्य बालकृष्ण वर्सेज अमित शाह वर्सेज योगी आदित्यनाथ वर्सेज बाबा रामदेव, तो ये क्या संदेशा जा रहा है मुलाकातों के सिलसिले को लेकर? मुलाकात होना तो पॉलिटिकल परिवेश में देखें, हम लोग तो जो आप मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इसको कतई नहीं चाहेगी कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट यहाँ से हटें। ये जरूर था कि टेक्निकल स्नैक्स थे जिसको टाइम से भर लिया जाना चाहिए था, गैप्स को नहीं भरा गया है, उसके क्या कारण थे वो फाइल को देख के ही बताया जा सकता है। उसके क्या कुछ कारण लगता है आपको जगदेव जी, जल्दी से बस फाइनल कमेंटिंग। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो अखिलेश सरकार शुरू किया था इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, और हम एक बार फिर कहेंगे जो प्रोजेक्ट जनहित में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, उनको बंद नहीं करना चाहिए, ना उनको हेराफेरी करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य के विषय है कि जिस प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव ने शुरू किया था और बाबा रामदेव जैसा व्यक्ति जो बीजेपी का प्रबल समर्थक है और रहा है, उस व्यक्ति के प्रोजेक्ट जब नहीं हो रहे हैं तो आम लोग क्या करेंगे? जो चाहे कितनी बड़ी इन्वेस्टर, एक सवाल है बस कदर साहब 32 सेकंड में, बहुत जिम्मेदारी से सवाल कि चलिए जल्दी से सर बस एक फाइनल कमेंट इस अफसरशाही को लेकर के, जब सरकार की नहीं सुनी जा रही है तो आखिर आम आदमी की कैसे सुनी जाएगी? क्या संदेशा देना चाहेंगे लोगों को जल्दी से 30 सेकंड में सिर्फ? सर जल्दी से जगदेव भाई, बस सर 30 सेकंड का समय मिल चुका है। मैं चाहूंगा जी डेरा डालो घेरा लो का सिद्धांत बंद करिए। सीधा सीधा ये कहना है कि ये प्रदेश की सरकार चाहती है कि ऐसे प्रोजेक्ट हो, जितने इन्वेस्टमेंट होना है वो कंप्लीट हो। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी एक छत के नीचे इसका निराकरण कर रहे हैं, उसी का ये उदाहरण है कि ये प्रोजेक्ट जाते जाते रुक गया। मैं प्रभात भाई की बातों से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा। तो प्रभात भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस समाज में हैं, आपके थ्रू ये मैसेज आना चाहिए
कि महाराज कभी किसी के इस पद को छोड़ देंगे, ये तो हम बराबर कह रहे हैं कि योगी जी के दबाव में नहीं आएंगे, कोई संशय नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी, जगदेव जी आपका भी, एसके द्विवेदी जी आपका भी और प्रभात सर आपका भी। तो अफसरशाही के रवैये से नाराज पतंजलि ग्रुप के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सरकार काम नहीं कर रही, यूपी में सिर्फ धीगा मस्ती हो रही है। कुल मिलाकर योगी सरकार के मंसूबों पर अफसरशाही कैसे पानी फेर रही है, इसका जीता जागता नमूना सब तौर पर नजर आया। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ। नमस्कार।